सुदर्शन चक्र में उसकी पहली शक्ति यह थी कि उसका लक्ष्य अचूक था। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण जी के बाद सिर्फ राधा जी ही इस्तेमाल कर सकती थी। यह चक्र कभी भी गलत हेतु से किए गए कार्य में सहयोग नहीं करता था। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां थीं। उसकी 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों में 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। सुदर्शन चक्र की खासियत यह थी कि उसे फेंका नहीं जा सकता। यह मन की गति से चलता है और शत्रु का विनाश करके ही लौट आता है। इस चक्र से बचना लगभग असंभव ही है। कुछ पुराणों और ग्रंथों के अनुसार यह चक्र एक सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते ही यह लाखों योजन का सफर कर सकता है। यहाँ एक योजन मतलब 8 किलोमीटर है। इसका वजन 2200 किलो माना जाता है। ये एक गोलाकार शस्त्र है जो आकार में 12 से 30 सेंटीमीटर माना जाता है। सुदर्शन चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों किले विपरीत दिशाओं में चलती है, जो इसे दातेदार का नारा देती है। माना जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर शस्त्र है।